नागपुर महानगर पालिका द्वार पर विसर्जन की अवधारणा को लागू कर रही है इसके लिए प्रत्येक जोन में विसर्जन रथ की व्यवस्था की गई है इसीलिए विसर्जन हेतु प्रत्येक जोन के संबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया यदि कोई भी नागरिक को उस नंबर पर कॉल करते हैं तो विसर्जन रथ उसके घर जाएगा निगम प्रशासन ने नागरिकों को इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की कोविड 19 वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के सभी त्योहारों को सरकार के दिशा निर्देशों और नियमों का पालन कर मनाया जा रहा है गणेशोत्सव भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय है सार्वजनिक गणेशोत्सव नागपुर में व्यापक रूप से मनाया जाता है हालांकि इस वर्ष सरकार और प्रशासन द्वारा की गई अपील को देखते हुए सभी मंडल नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाए जा रहे हैं। अब घरेलू तरीके से गणेश का विसर्जन भी लगभग शुरू हो चुका है सभी नागरिकों को यथास्भव गणेश जी का घर पर या घर के निकट ही विसर्जन करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो केवल दो व्यक्ति को जाना चाहिए घर के पास एक कृत्रिम तालाब में विसर्जन करना चाहिए इसी तरह सार्वजनिक मंडलों को भी मंडल के निकट कृत्रिम झील व्यवस्थित तरीके से विसर्जन करना चाहिए इससे पहले नागपुर महानगर पालिका ने अपील की थी कि मूर्ति को किसी भी झील में ना विसर्जित करना इसी बीच घरेलू स्तर पर गणेश जी का विसर्जन पिछले डेढ़ दिनों से शुरू हो चुका है स्थानिक स्थानों पर नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए कि झील में भीड़ ना करें इसीलिए समय समय पर यह अपील की जाती है गणेश जी का विसर्जन घर पर ही किया जाना चाहिए आगे अपील की गई कि पांचवे सातवे या दसवे दिन विसर्जन सभी नागरिकों द्वारा घर में या अपनी सोसाइटी में आयोजित करना चाहिए इस साल नागपुर महानगर पालिका आपके द्वार पर विसर्जन की अवधारणा को लागू कर रही है इसके लिए प्रत्येक जोन में विसर्जन रथ की व्यवस्था की गयी है इसलिए विसर्जन हेतु प्रत्येक जोन के संबंधित अधिकारी का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया है यदि कोई भी नागरिक उस नंबर पर कॉल कर दे तो रथ उसके घर जाएगा निगम प्रशासन ने नागरिकों को इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की है इन बी सी न्यूज के लिए स्वप्निल बुंधारे की रिपोर्ट